अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आई एम योर उर्दू टीचर एंड दिस इज़ योर उर्दू बुक। नाउ ओपन द पेज नंबर 33। दिस इज़ योर पेज नंबर 33। सबक है आपके पास गर्मी की छुट्टियाँ। इस सबक में आपको गर्मियों की छुट्टी के बारे में बताया गया है कि हफ्सा, साद और दानिश ने गर्मियों की छुट्टियां किस तरह मनाई। आइए देखते हैं सबक में क्या है। एक बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच कर रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने क्वेटा जाएंगे। इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया। इनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने इन्हें सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी मगर भारी चीज़ें उठाने से मना किया था। इसलिए उन तीनों बच्चों ने ये फैसला किया था कि अपने अलग अलग बस्ते बनाएंगे और इन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थीं। इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। बस अपने वक्त पर चली। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में सफ़र का मज़ा ही नहीं आ रहा था। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना सो सकते थे क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने ही नहीं दे रहा था। बस सुबह 7 बजे क्वेटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर पढ़ा, सरयाब रोड। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुंचे जहां इनके अब्बू ने एक कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ, इतनी शदीद गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था, उन्होंने सोचा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 34। अब्बू ने एक आदमी से पूछा, लियाकत बाज़ार कहाँ है? उस आदमी ने हंसकर कहा, आप लियाकत बाज़ार में ही खड़े हैं। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को हंस दिए। अब्बू ने ज़ियारत जाने के लिए गाड़ी वाले से बात की। उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। अगले दिन सब ज़ियारत के लिए रवाना हो गए। गर्मी बहुत थी इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से मुँह हाथ धोए और पानी पिया। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग देखकर भी बहुत हैरान हुए और खुश भी। 3 घंटे बाद ज़ियारत पहुँचे। ज़ियारत बहुत खूबसूरत था। हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खुशबू फैल रही थी। दोपहर हुई तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाने के दौरान ही आसमान पर काले बादल छा गए और गर्ज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। सब बहुत खुश थे। खाने के बाद साद और दानिश क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्सा अपनी अम्मी के साथ टहलने लगी। कुछ और भी बच्चे भी इनके साथ खेलने आ गए और वो लोग बलूची जबान बोल रहे थे। उनकी जबान उन्हें समझ में नहीं आ रही थी मगर फिर भी इनसे दोस्ती हो गई। शाम को सब कायदे आज़म की रिहाइशगाह देखने गए। वहाँ पहली बार उन्होंने अखरोट के दरख्त देखे और बहुत हैरान हुए। वहाँ के मुलाजिम ने कायदे आज़म की वो ख्वाबगाह खोल कर दिखाई जहाँ उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे थे। साथ ही इनके डॉक्टर और मातरे मिल्लत महतरमा फातमा जिना के कमरे भी दिखाए। हर चीज़ बहुत संभाल कर रखी गई थी। फिर सब रेस्ट हाउस वापस चले आ गए। रात को सब ने बिस्तर में बैठकर खुश्क मेवे खाए। दूसरे दिन भी घूमने चले गए। 4 दिन बाद ट्रेन के जरिए कराची वापस आ गए। ट्रेन का सफ़र बस से बहुत बेहतर था। रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आईं जिन्हें वो गिनते रहे। कराची पहुंचकर उन्होंने सब घर वालों का सफ़र का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी दिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर समझ में आया? आपने इस चैप्टर की खुद से भी रीडिंग करनी है। इस चैप्टर में साद और हफ्सा और दानिश, इनके सफ़र के बारे में बताया गया है कि वो क्वेटा सफ़र के लिए घूमने गए थे और क्वेटा में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। वहाँ उन्होंने कायदे आज़म की रिहाइश का देखी, मादरे मिलत के कमरे भी देखे और ज़ियारत की सैर भी की।
ओके, उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 35। दिस इज़ योर पेज नंबर 35। अल्फाज मायने दिए गए हैं आपको। आपने अपनी कॉपी में सबसे पहले इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे उनवान की हेडिंग डालनी है। उनवान की हेडिंग डालने के बाद आपने अल्फाज मायने लिखने हैं। झरनों यानी आबशारों, बाड़ें यानी कतारें, मादर मिल्लत कौम की माँ यानी फातिमा जिना का खिताब, सुरंगें यानी ज़मीन दोज रास्ते। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने इस किताब में ही अपनी मारूज़ी सवालात की मश्क को हल करना है। ये वर्क आपने कॉपी में नहीं करना, ये आपने इसी बुक में करना है। आइए देखते हैं। पहला है आपके पास, हफ्सा के बस्ते में बहुत सी क्या थी? चूड़ियाँ थी, किताबें थी, गाड़ियाँ थी या मिठाइयाँ थी? किताबें थी, तो आप किताब पर टिक कर देंगे। बस सुबह कितने बजे कोयटा पहुँची? 7 बजे, 8 बजे, 7:15 या 7:30? कितने बजे पहुँची स्टूडेंट्स? जी 7 बजे, तो आप 7 पर टिक कर देंगे। 4 दिन के बाद वो वापस कराची किस में आए थे? ट्रेन में आए थे, कोच में आए थे, गाड़ी में आए थे या हवाई जहाज़ से आए थे? जी ट्रेन से आए थे, तो आप ट्रेन से टिक कर देंगे। कायदे आज़म ने बीमारी के आखिरी दिन कहाँ गुजारे थे? कराची में, ज़ियारत में, मुल्तान में या पेशावर में? कहाँ गुजारे थे? ज़ियारत में, तो आप ज़ियारत को टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के सवाल जवाब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल इसी तरीके से उनवान की हेडिंग डालनी है, सवाल जवाब लिखने हैं। और पहला सवाल लिखना है, अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राज़ी नहीं हो रहे थे? क्यों राज़ी नहीं हो रहे थे? क्योंकि उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था। आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था इसलिए वो कोयटा जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, सवाल नंबर 2 है आपके पास। सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट्स? हफ्सा ने क्या पढ़ा था? जी सरयाब रोड, तो आप आंसर लिखेंगे, सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर सरयाब रोड लिखा हुआ था। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, सुबह कितने बजे बस कोयटा पहुँची? कितने बजे पहुँची थी? सुबह 7 बजे, तो आप आंसर लिखेंगे, सुबह 7 बजे बस कोयटा पहुँची। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, कोयटा का मौसम कैसा था? कोयटा का मौसम कैसा था स्टूडेंट्स? शदीद गर्मी थी, तो आप लिखेंगे कोयटा में शदीद गर्मी थी। शाम को सब क्या देखने गए थे? जी स्टूडेंट्स क्या देखने गए थे? शाम को सब कायदे आज़म की रिहाइश का देखने गए थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माई टूडेज लेसन। आई विल कम बैक विद अनदर लेसन टुमारो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।